guys welcome to hr with sanchita so i hope you all are fine so i have been missing you all guys okay so i got a lot of emails uh, regarding this course okay of your uh, paper so uh, good और जिनको जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए नो no issues. आप अगली बार देना ठीक है एंड अब जिनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं या जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है उनको आ, मदद चाहिए होगी रिसर्च प्रपोजल लिखने में सो यू शुड नो हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल बिकॉज फॉर गिविंग पीएचडी एच डी इंटरव्यूज यूल हैव टू सबमिट दिस राइट अप ओके सो देखिए रिसर्च प्रपोजल होता क्या है बच्चों रिसर्च प्रपोजल इज लाइक आप पीएचडी करते हैं तो आपको रिसर्च करनी होती है पूरे पीएचडी में तो ये आप उसका प्रपोजल दे रहे हैं कि, कि किस टॉपिक uh, पे आप रिसर्च करना चाहते हैं अपने पीएचडी में ठीक है तो जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप कन्विंस कर सको कॉलेज में या जो पूरी कमिटी बैठी होगी सिलेक्शन वाली कि हाँ इस टॉपिक में कुछ दम है मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूं चाहे भले ही आप मार्क्स बहुत अच्छे आपने नेट क्लियर कर रखा हो ठीक है बट आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है क्योंकि तभी कॉलेज चाहेगा ना कि हमारे कॉलेज में इस टॉपिक पे रिसर्च हो तो आपका टॉपिक भी बहुत दमदार होना चाहिए ओके सो so, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल आपको लाइक आप वर्ड में बना सकते हैं कई लोग पीपीटीज में भी मांगते हैं बट स्पेशली पहले वर्ड में आप उसको पूरा बना लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो सबसे पहला होता है टाइटल और बच्चों कई जो कॉलेजेस होते हैं वो बताते भी हैं पूरा फॉर्मेट बट जनरली ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है बट कई कॉलेजेस के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं बट यहाँ पे मैं आपको एक क्रक्स दे रही हूँ ठीक है जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है तो सबसे पहले आता है टाइटल ठीक है सो प्रोवाइड मीन

अच्छे से टाइटल में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि वही आपका हेडिंग होगा द टाइटल शुड कन्वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रपोज रिसर्च ठीक है जैसे कि मैं बोल रही जो most important जो आप करना चाहते हैं रिसर्च से वो टाइटल में कन्वे हो जाना चाहिए और टाइटल एक लाइनर होता है ठीक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है एकदम किसी का अटेंशन कैप्चर करने के लिए ओके देन नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ठीक है सो इंट्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों आप बैकग्राउंड देते हैं अपने रिसर्च की जो भी आपने टॉपिक फॉर एग्जांपल मैंने मोटिवेशन टॉपिक लिया तो आप मोटिवेशन के टॉपिक के बारे में आप बताएंगे आपने इमोशनल इंटेलिजेंस लिया है तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे क्योंकि देखिए ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक पे उठा के रिसर्च नहीं कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए वो इंडस्ट्री के लिए जो हमारी एम एनसीज हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए वो टॉपिक ठीक है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए वो टॉपिक तभी आपको परमिट किया जाएगा किसी कॉलेज में रिसर्च करने के लिए ठीक है सो हाउ सो एग्जाम्पल वॉट इज योर रिसर्च एरिया क्या है वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री नॉलेज ठीक है सबसे पहले कैसे इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करेगा कैसे एकेडमिक्स को कंट्रीब्यूट करेगा ठीक है और सेकंड थिंग पे एक और चीज आप बताएंगे कि आपका मोटिवेशन क्या है इस टॉपिक को करने के लिए मतलब व्हाई आर यू मोटिवेटेड व्हाई डू यू वांट टू कंडक्ट रिसर्च ऑन दिस टॉपिक सो ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ठीक है दिस इज योर टॉपिक बट वाई आर यू इंटरेस्टेड वॉट मोटिवेटेड यू टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक ठीक है देन देन कम्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब इसमें आप आपकी रिसर्च जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं ठीक है तो किसी प्रॉब्लम कुछ चीज आप चाहते हैं कि इस रिसर्च से कुछ सॉल्यूशन निकले कि या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले सो दैट इज व्हाई प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बाय कंडक्टिंग द द रिसर्च एंड व्हाट इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू विल एड्रेस बाई कंडफिक ठीक है जो भी रिसर्च जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जो पीछे एग्जाम्पल स्लाइड में दिया था क्या दिया था इंपैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन परफॉर्मेंस तो क्या होगा कि परफॉर्मेंस और मोटिवेशन में क्या लिंक है क्या परफॉर्मेंस बढ़ती है क्या अगर मोटिवेशन हाई हो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ठीक है या कोई इफेक्ट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है आपकी ठीक है और आप अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके रिसर्च के ठीक है आपने रिसर्च तो कर ली बट क्या कुछ चीज अचीव हुई उस रिसर्च से ठीक है क्या कुछ बेनिफिट्स रीप हुए उस रिसर्च से सो इट इंक्लूड्स द गोल्स दैट विल बी अचीव्ड बाय द रिसर्च प्रपोज मतलब जो आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं रिसर्च प्रपोजल होता क्या है कि हाँ जी हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं हम प्रपोज कर रहे हैं ठीक है अभी पूरी रिसर्च हमने की नहीं है हम प्रपोजल दे रहे हैं ताकि हमें अलाउ कर दिया जाए किसी कॉलेज में रिसर्च करने को सो so, नेक्स्ट इज द बेनिफिट दैट विल बी जनरेटेड इफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज आंसर्ड मतलब क्या होंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स जनरेट होंगे uh, हमारी रिसर्च से हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च में बताएंगे ओके okay? देन लिटरेचर रिव्यू देखो लिटरेचर क्या होता है लिटरेचर रिव्यू होता है जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटिवेशन पे रिसर्च अगर उठाई है ठीक है तो काफी सारी प्रीवियस रिसर्चेस भी हो रखी होंगी मेरे टॉपिक uh, से रिलेटेड चाहे भले ही एग्जैक्टली exactly उस टॉपिक पे ना हो रखी हो बट रिलेटेड रिलेटेड उन चीजों से हो रखी होंगी रिसर्चेस ठीक है फॉर एक्जाम्पल इंपैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन बिहेवियर पे हो रखी हो तो मैं उसको पढ़ूंगी ठीक है सो और जितनी भी रिसर्चेस मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो मैक्सिमम मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी सो so, प्रोवाइ समरी ऑफ द प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्चेस इन द प्रोज एरिया ऑफ रिसर्च ठीक है तो आप अपनी प्रीवियस रिसर्चेस उठाएंगे आपको काफी सारे अकेडमिक पोर्टल्स हैं शोध गंगा पे भी आपको काफी सारे मिल जाएंगे ठीक है वहां पे जाएंगे रिसर्च को पढ़ेंगे स्टडी करेंगे अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको वहां पे तो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं मतलब कि आप खुद सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं ठीक है जहां पे आपको लोगों की रिसर्चेस मिलेंगी वेरियस अकेडमिशन की रिसर्चेस मिलेंगी कंपनीज की रिसर्चेस मिलेंगी तो उनको आप स्टडी करें और फिर यहां पे समरी दे देंगे अपने रिसर्च प्रपोजल में ताकि सामने वाले को जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे पता लगे कि हाँ, ऐसे ही उठा के नहीं आ गया है कि हमने बस रिसर्च प्रपोजल बना लिया इसने कुछ प्रीवियस रिसर्च भी की है उस टॉपिक से रिलेटेड इसको कुछ नॉलेज है इससे क्या होता है आपकी नॉलेज बढ़ जाती है अपने टॉपिक से रिलेटेड ठीक है कि क्या क्या रिसर्च हो चुकी है क्या क्या उन रिसर्चेस में वीकनेसेस हैं क्या उन रिसर्चेस की स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आप नया अपनी रिसर्च में इंट्रोड्यूस करने वाले हो क्या रिसर्च गैप आपने आइडेंटिफाई किया है आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिसर्च गैप दैट यूडेंटिंग प्रीवियस रिसर्चेस इतने लोगों ने कर हैं क्या आपने है? और आप तभी कर पाओगे अगर आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करोगे मतलब प्रीवियस रिसर्चेस को रिव्यू करोगे ठीक है सो एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेस हैज बीन डन इन में किया गया है ठीक है और क्या आप करोगे नया और क्यों आपकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है अगर सारी चीजें प्रीवियस में कर दी गई होंगी तो तो आपका रिसर्च तो बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा ना क्योंकि रिसर्च को कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना चाहिए है ना कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए रिसर्च को तो, तो दैट इज वाई आप यहां पे ये स्टेट करोगे और ये क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे भी जाएंगे बच्चों ठीक है मेथोडोलॉजी के बारे में भी आपसे काफी पूछा जाएगा राइट सो मेथोडोलॉजी मतलब अब ठीक है आपने टॉपिक सोच लिया है बट कैसे आप रिसर्च uh, तो so करोगे, करोगे, बहुत सारे मेथड रिसर्च में पढ़े हैं उनमें से कौन सा आपको लगता है आप ये मेथड यूज करोगे कैसे अपने डेटा को क्लासीफाई करोगे ठीक है कैसे आप एनालिसिस करोगे तो so ये सारा हमारा मेथोडोलॉजी में आ जाएगा ठीक है और लास्ट है रेफरेंसेज अब ऑब्वियसली ये जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो कुछ तो आपके अपने इनपुट्स होंगे कुछ आप फैक्ट्स एंड मटेरियल्स बाहर से भी दे रहे हो जैसे लिटरेचर रिव्यू में जो आप समरी लिख रहे हो तो आप ऑब्वियसली औरों की रिसर्चेस से उठा के लिख रहे हो कई चीजें सो दैट इज वाई द फैक्ट्स एंड मटीरियल्स दैट आर नॉट रिटन बाय यू मस्ट बी ए कंपनीड रेफरेंस टू इट सोर्स सो आपको रेफरेंसेज देने बहुत जरूरी है नहीं तो ऑब्वियसली आप पे कोई भी कॉपी केस भी कर सकता है जो भी चीज़ें आप औरों की ले रहे हो उनको रेफरेंस जरूर कीजिए ओके okay? सो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ठीक है एच आर विद संचिता और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो उसमें मैं अपनी डेली विडियोज की अपडेट देती रहूंगी एंड आई वुड स्टार्ट पोस्टिंग विडियोज डेली फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दी नेक्स्ट नेट ओके एंड फॉर द इंटरव्यूज एज वेल ओके एंड गॉड ब्लेस यू और मैंने सबके ई मेल्स रिसीव कर लिए हैं ठीक है एंड टेक केयर ओके ग्रेट